खबरों के सफरनामे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डालते हैं नजर फास्ट न्यूज पर। पटाखा व्यापारियों की जांच शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को मेरठ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने शहर भर के सभी पटाखा व्यापारियों के स्टॉक की जांच की। नवंबर 2016 में दायर हुई एक जनहित याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR रीजन में दीपावली पर पटाखों को बैन कर दिया है, जिसके बाद मेरठ के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए बैठक की। इसके बाद गुरुवार को मेरठ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने शहर और देहात के सभी स्थायी और अस्थायी लाइसेंस वाले पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस को होल्ड कर दिया है। गौरतलब है कि प्रशासनिक अफसरों ने स्थायी लाइसेंस वाले पटाखा व्यापारियों के बचे हुए स्टॉक का मिलान रजिस्टर से करने के लिए कहा है। बता दें कि इस स्टॉक जांच के लिए DM सिटी मुकेश चंद ने SP सिटी, SP देहात, सिटी मजिस्ट्रेट सहित सभी SDM, ACM को पटाखा व्यापारियों के स्टॉक की जांच के लिए पत्र जारी किए हैं। प्रदर्शनी के जरिए कराया मेरठ से रूबरू। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिले के सभी सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों ने मॉडल्स के जरिए मेरठ की धरोहरों का प्रदर्शन किया। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में 13 अक्टूबर से होने वाले 3rd अखिल भारतीय खेल कूद प्रतियोगिता का उद्घाटन UP के DPCM डॉक्टर दिनेश शर्मा करेंगे। इस दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा को क्रांति धारा मेरठ की धरोहरों से रूबरू कराने के लिए जिले के सभी सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूली बच्चों ने मेरठ और उसके आसपास की सभी महत्वपूर्ण स्थलों के मॉडल बनाकर एक प्रदर्शनी लगाई है, जिनमें अमरनाथ मंदिर, शाहपीर का मकबरा, हस्तिनापुर जैन मंदिर, शुक्रताल तीर्थ स्थल, कैंट का टैंक चौराहा, बागपत के पूरा महादेव मंदिर और भारतीय क्रिकेटर प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, करण शर्मा जैसे खिलाड़ियों के बारे में पोस्टर और मॉडल्स के जरिए जानकारी दी जा रही है। 6 दिन की छुट्टियां कर सकती हैं परेशान। त्योहारों और दूसरे शनिवार के चलते आने वाले 9 दिनों में 6 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं, जिसके चलते लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। त्योहारों के सीजन का सबसे अच्छा तोहफा होती हैं छुट्टियां, क्योंकि छुट्टियों के मौके पर सभी लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिता पाते हैं। लेकिन इस बार आने वाले 9 दिनों में बैंकों की 6 छुट्टियों की वजह से बैंक कर्मचारी तो त्योहारों को एंजॉय कर सकेंगे, पर बैंक ग्राहकों के लिए ये छुट्टियां मुसीबत साबित हो सकती हैं। दरअसल 14 और 15 तारीख को दूसरे शनिवार और रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे, जिसके बाद 16, 17, 18 अक्टूबर को बैंक खुलेंगे, ताकि 2 दिनों से बैंक संबंधी अटके पड़े काम पूरे हो सके। लेकिन 19 से 22 तक बैंक दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज के चलते बंद रहेंगे, जिससे लोगों को इंटरनेट बैंकिंग का ही सहारा लेना पड़ेगा या फिर उन्हें बैंकों के खुलने का इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि बैंकों की इन छुट्टियों में ATM के कैशलेस होने की बड़ी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों रामनवमी और मोहर्रम के मौके पर पड़ी 4 दिन की छुट्टियों में अधिकतर ATM खाली हो गए थे और अंत में लोगों को ई मनी का सहारा लेना पड़ा था। फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव जारी। डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला मलेरिया विभाग और नगर निगम अलर्ट पर है। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आंकड़ा 300 के करीब पहुंच गया है। इसको लेकर जिला मलेरिया विभाग और नगर निगम भी अलर्ट है। जिला मलेरिया विभाग की टीमें दिन में एंटी लार्वा का छिड़काव करती हैं और रात में फॉगिंग करती हैं। जिला मलेरिया अधिकारी योगेश सारस्वत ने इसको लेकर 11 टीमें गठित कर रखी हैं, जो हर रोज करीब 8 वार्डों पर फोकस कर रही हैं। इसमें नगर निगम की टीम भी शामिल है। मसलन नगर निगम और जिला मलेरिया विभाग की टीमें रात में फॉगिंग करा रही हैं। जिन इलाकों में डेंगू के ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, उन इलाकों में इस प्लान से अलग हटकर भी एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जा रही है। हालांकि डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। विश्व दृष्टि दिवस पर किया जागरूक। विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर जिला अस्पताल में आंखों के मरीजों को आंखों के रोग और उनसे बचाव के बारे में जानकारी दी गई। आपकी आंखें बहुत कीमती हैं, उनका भी ख्याल कीजिए। विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर लोगों को आंखों की बीमारियों और उनके इलाज के बारे में जानकारी दी गई। जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में मरीजों की आंखों की जाँच भी की गई। उन्हें जाँच के बाद तमाम जानकारियाँ भी दी गई। वैसे तो हर रोज ही नेत्र रोग विभाग में मरीजों की अच्छी खासी भीड़ रहती है, लेकिन विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर और दिन के मुकाबले मरीजों की ज्यादा भीड़ रही और उन्हें आंखों की देखभाल के लिए जागरूक भी किया गया। मरीजों को बताया गया कि वो आंखों की किसी बीमारी के लिए डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद आंखों में दवाइयों का इस्तेमाल करें। साथ ही आंख में यदि कोई दिक्कत हो तो उसे गंभीरता से लें। मेडिकल में लगे नए डीप फ्रीजर। मेडिकल अस्पताल की इमरजेंसी में शवों को सड़ने से बचाने के लिए 4 नए डीप फ्रीजर लगाए गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल कॉलेज में कई मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो जाती है, ऐसे में उनके शव को रखने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 4D फ्रीजर दिए गए हैं, क्योंकि मौत होने के बाद शवों को बर्फ की सिल्ली पर रखकर सड़ने से बचाया जा सकता है, जिससे आसपास बदबू तो फैलती ही है और साथ ही साथ महामारी फैलने का भी खतरा बना रहता है। लेकिन अब इस समस्या का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार ने मेडिकल अस्पताल की इमरजेंसी में 4 डीप फ्रीजर लगवाए हैं, जिनकी मदद से अब शवों को सड़ने से बचाया जा सकेगा। बता दें कि अब से पहले मेडिकल अस्पताल में डीप फ्रीजर ना होने के चलते शवों को सुरक्षित रखना अस्पताल प्रशासन के लिए काफी मेहनत का काम था।
सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास से जुड़ी पल पल की खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।